दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, इस कड़ी में हम सबसे पहले चलते हैं जल विद्युत परियोजना की ओर। हरियाणा में अभी हाल फिलहाल दो जल विद्युत परियोजनाएं मौजूद हैं, पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना। दोस्तों, पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना 1980 में लाई गई और दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट 1990 में किया गया। यह परियोजना दोस्तों यमुनानगर में स्थापित की गई है और यह हथनी कुंड एवं दादूपुर नामक स्थान के मध्य की गई है। इसकी क्षमता 63 मेगावाट है। नहरों पर छोटे छोटे बांध बनाने की दिशा में ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना विद्युत परियोजना लाई गई है दोस्तों, और ये ककरोई दोस्तों सोनीपत जिले में पड़ता है और इसकी क्षमता 100 किलोवाट है। इसके साथ ही दोस्तों हरियाणा में दो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना भी हैं। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना दोस्तों ये 2014 में लाई गई थी और इसको 2014 में फतेहाबाद में स्थापित किया गया। आज इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है और यह दोस्तों यह परियोजना नेशनल नेशनल पावर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई गई है। दूसरी परियोजना दोस्तों भिवानी हिसार न्यूक्लियर पावर परियोजना। दोस्तों ये अभी प्रस्तावित योजना है, इसका भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों हरियाणा में कुछ ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है जहाँ पे पवन यानी हवा के द्वारा ऊर्जा पैदा की जा सकती है। दोस्तों इनमें उपयुक्त स्थानों को चुना है, पंचकुला की मोरनी हिल्स तथा अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों पंचकुला में मोरनी हिल्स स्थित हैं तथा अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। यह दोस्तों अभी यहाँ पर जांच की जा रही है कि कितने यहाँ पे स्कोप हैं हवा द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए। इसके लिए दोस्तों 3 मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं पवन ऊर्जा के लिए, पंचकुला, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। इसके बाद दोस्तों सोलर पावर जनरेशन के माध्यम से भी हरियाणा में ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सोलर पावर को बढ़ाने के लिए इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो हरियाणा सरकार द्वारा प्रथम सोलर पावर प्लांट नंदा गांव जो चरखी दादरी में मौजूद है वो हरियाणा सरकार के द्वारा लगाया गया, और HPGCL के तहत भद्र बुधकला यमुनानगर में सोलर इलेक्ट्रिक सेंटर को खोला गया। हरियाणा का सोलर पावर जनरेशन की तरफ प्रोत्साहन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय गुरुग्राम में 2015 में खोला गया। ये दोस्तों बाई मिस्टेक 2005 हो गया, यहाँ पे 2015 कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपको टू दी पॉइंट क्वेश्चंस करवाता है और आने वाले एग्जामों के लिए प्रिपेयर करता है। धन्यवाद।